18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज चौथा दिन था। संसद का चौथा दिन भी हंगामे से भरा रहा। आज राज्यसभा में भी कुछ सांसदों ने शपथ ली, संसद की कार्यवाही भी आगे बढ़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। ये उनका एनडीए सरकार के गठन के बाद पहला अभिभाषण था। उनके अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के दौरान ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कश्मीर में मतदान की बात सुनते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। संसद में और क्या कुछ हुआ, चलिए विस्तार से आपको बताएंगे संसद में आज दिन भर के इस नए एपिसोड में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। इसी के साथ साथ राष्ट्रपति ने अपने लंबे भाषण में कांग्रेस काल में लगाए गए आपातकाल की भी निंदा की। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को सरकार का भाषण बताया। सपा प्रमुख ने कहा कि ये परंपरा है और ये हमेशा होता है, हम सब राष्ट्रपति का भाषण सुनते हैं, वो दरअसल सरकार का ही भाषण होता है। दोनों सदनों में कार्रवाई तो हुई लेकिन सदन के बाहर चर्चा गरम रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी सांसदों ने संसद परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया। इसके अलावा एक और संसद से जुड़ा मुद्दा संसद के बाहर खूब गरमाया। संसद में रखे सेंगोल को लेकर फिर से आसर शुरू हो गए। समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी, कहा सेंगोल की जगह लगाई जाए संविधान की प्रतिमा। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक आरोप प्रत्यारोप की जंग छिड़ गई। आपको बता दें कि आज विपक्षी गठबंधन ने मीटिंग की है और फैसला किया है कि कल संसद में नीट का मुद्दा विपक्ष पुरजोर ताकत के साथ उठाएगा। अब कल संसद में क्या कुछ होता है आप तक जरूर लेकर आएंगे। संसद में आज दिन भर में बस इतना ही। मैं थी आपके साथ सृष्टि गोयल, देखते रहिए एबीपी लाइव।